टच वेबिज वाली आई टी है, आपको वेट करके दिखाता हूँ वेट वगैरह पेमेंट किस तरह से होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टोटल वेट आ रहा है, फर्स्ट वेट का पर्ची निकालते एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन क्लियर हो गया अभी अभी, तो गाड़ी फर्स्ट टाइम आती है तो अपन फर्स्ट वेट इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फर्स्ट वेट अपन करेंगे तो फर्स्ट वेट रिकॉर्ड हो गया अभी। वेब्रिज का अपना व्हीकल नंबर ऐड कर देंगे, और जी अगर ऑलरेडी पहले से वेट किया होगा तो आपका पहले से भी डिटेल सेव किया हुआ डिटेल भी आ जाएगा। ये कोई भी नंबर डाल दिया, टैग डाल दिया, आइटम का नाम लिख देंगे आपका सीमेंट है। पार्टी नेम डाल देंगे, जे बी सी डाल देंगे, एड्रेस लिख देंगे, चार्जर जोड़ देंगे आपके 900 रुपये चार्जर जोड़ देगा, 900 रुपये। और उसके बाद सेकेंड चार्जर जो अगर एक्स्ट्रा जोड़ना तो जोड़ सकते हैं, और फर्स्ट वेट को अपन सेव एज ए सेव प्रिंट कर देंगे। अगर प्रिंट इंस्टॉल किया हुआ तो प्रिंट जोड़ देंगे, सेव कर दिया, आपका आरएसटी जनरेट हो गया। तो गाड़ी सेकेंड टाइम आएगा आपका, गाड़ी सेकेंड टाइम अभी आपका गाड़ी आ गया, रेट अभी इंक्रीज हो गया। फुल आरएसटी नंबर डाल देंगे, पिछला ट्रेड भी डालेंगे, तो पुराना आरएसटी देखता हूँ क्या था उसका। अभी पुराना आरएसटी नंबर डाल देंगे, 810 लास्ट का आरएसटी ये था। डिटेल सारी आ गई आपकी, सेकंड मिनट आपका रहा, सेकंड मिनट रिकॉर्ड कर देंगे, नेट वेट आपका आ जाएगा, सारी डिटेल आपकी जो पहले भरी हुई थी आ जाएगी। सेकंड चार्जेज में आपको कुछ भी जोड़ना अगर तो सेकंड चार्जेज में जोड़ देंगे और करके प्रिंट कर देंगे। इसी का सेम सारा डिस्प्ले आपका क्लाउड पर भी रहता है, आप ये देखेंगे तो अपन जाके डैशबोर्ड पर चेक करते हैं। अभी मैंने आईएसटी जनरेट करी थी आपका, इस पर इसके टिकट्स में सारा रन टाइम पे सेव हो गया, आप देखेंगे ये वाला आईएसटी। अभी आपके मोबाइल पे भी एप्लीकेशन पे आ गया सारा। इस एप्लीकेशन में हम लोग रन टाइम पे जो वेट आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं वेट, मेरा मशीन पर वेट दिखा रहा है 11240, सेम टाइम वेट से भी आ रहा है। अभी आपके सामने मैं दोनों को सिंक करके दिखाता हूँ। अभी मैं नया आरएसटी बना के दिखाता हूँ, ये मेरा वेट, ये ऑलरेडी वेट किया हुआ है। अभी आरएसटी नंबर जोड़ रहे हैं, व्हीकल नंबर डिटेल डाल रहे हैं, डिटेल आ गया, व्हीकल नंबर आ गया, व्हीकल टाइप डाल देते हैं, आइटम का नाम डाल देते हैं, सीमेंट सीमेंट डाल दिया, पार्टी का नाम डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। ये आपका बेसिक फायर फिल्ड्स की एंट्री हो गया। अब इसके बाद में टिकट को सेव करते हैं। अभी ये मेरा टिकट 13 चल रहा है, और उसके बाद में जैसे मैं टिकट सेव करता हूँ उसमें फर्स्ट वेट के हिसाब से, ये मेरा टिकट 831 का टिकट जनरेट हो गया। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 13-14 हो गया। अभी ये डिटेल्स में आपको जाकर के इस पर टिकट पर दिखाता हूँ, ये टिकट की डिटेल्स सारी इसमें रिकॉर्ड हो गया। अभी ये सारा डिटेल आपका क्लाउड पर भी सेव रहता है, कभी मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सारा डिटेल आपका आरएसटी वाइज, आपका डेट वाइज सारा डिटेल आपको यहाँ से
सर्च भी कर सकते हैं किसी भी नंबर के हिसाब से, कोई भी गाड़ी नंबर के हिसाब से मैंने सब कुछ करो। RJ14 जितने भी RJ14 वाली डिटेल, गाड़ी के नंबर की डिटेल है सारे इस पे आ जाएगी आपकी। रन टाइम पे इसमें वेट को चेक कर सकते हैं, अभी वेब इस पे वेट कितना, गाड़ी का वेट कितना आया उसके लिए मैं दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं इस पे सेम वेट है, वही सेम वेट आपके मोबाइल पे भी आपको दिख रहा है। और अभी स्केल पे कुछ भी वेट अगर इंप्लीमेंट होता है तो इधर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सारे रिपोर्ट्स आप इस यहाँ पे जाके, इस पे भी लोकल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट वाइज अपन देख रहे हैं तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं सारे आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे IST नंबर से जाके आपके सर्विस करते हैं, अलग फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, नई रिपोर्ट किस पे में आपको देखना है वो भी सारा आपको चेक कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यू टिकट्स आपको देखना है तो टिकट्स को भी, सारे टिकट्स इसमें लोकल पर सेव है, आपको ये टिकट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं सारे रिपोर्ट्स पर लिखा जाएगा। टिकट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल में है, आप मेल भी कर सकते हैं इससे। और मल्टीपल इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इस एवरेज IT में आप तीन तरह के प्रिंटर ऐड कर सकते हैं, वह थर्मल प्रिंटर है आपका, डॉट मेट्रिक प्रिंटर है, और आपको लेजर प्रिंटर भी इसमें जोड़ सकते हैं। आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जितने भी प्रिंटर्स है प्रिंटर को सारा सबको सेव कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिंटर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे लेजर है प्रिंटर है, डॉट नेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैंने है, इसका टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएगा कि आपको जैसे ये इस तरह से आपको प्रिंट आउट दिखाया जाएगा, जैसे ऑलरेडी सभी एवरेज में रहता है, उसको आप अपने हिसाब से ऑलरेडी प्री प्रिंटेड टिकट्स के हिसाब से कोई भी चीज़ को अपने प्रिंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग हेडर आपको प्रिंट करवाना है या नहीं कराना है, किसी भी हेडर को आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी हो जाएगा, कोई फील्ड आपको हटाना है तो हट जाएगा, किसी भी तरह से आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप बना सकते हैं उसको टेम्पलेट्स को। वेट स्केल का सेटिंग्स आप कर सकते हैं, कितना वेट आपको रखना है, कितना वेट का। इस सिस्टम में आप IP कैमरे को भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपके यहाँ मैंने दो फील्ड दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं IP कैमरे का ऑप्शन दे रखा है, साथ साथ आपका कैप्चर इमेज को भी कैप्चर करता रहेगा, साथ साथ वो लोकल डिवाइस में सेव कर देगा। आपको SMS का ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें, ये जो भी आपका प्रिंट टिकट होगा वो आपका SMS का जो गेटवे से आपका जो भी मोबाइल पे आप भेजना चाहते हैं उस नंबर पे SMS चला जाएगा। पूरा सिस्टम को आप फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं, आपको फैक्ट्री रिसेट में क्या रिसेट करना है, टिकट डिलीट करना है या रिपोर्ट्स को डिलीट करना है, मल्टीपल फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। टिकट का एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शन दे रखा है, सारे टिकट जितने भी टिकट को एक्सपोर्ट करना है उसको अलग से रिपोर्ट में डाल सकते हैं आप। ईमेल से सिस्टम से आपको ईमेल भेज सकते हैं, ये आज तक की लेटेस्ट सबसे एडवांस IT है जो अभी तक भी इंडिया में अभी हम लोगों ने लॉन्च करी है। रिचेक्ट बेस वो सारे सिस्टम को आप कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, सारा ये सिस्टम कम्प्लीटली कीबोर्ड से ऑपरेटेड है। हर चीज़ के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट कीज़ को यूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं सेटिंग जाने के लिए F8 दिया हुआ है, हर चीज़ पे जैसे रिपोर्ट में F6 दिया हुआ है, फिर टिकट जा करके आप F12 से आप प्रिंट को सेव कर सकते हैं। जो अपने रेगुलर IT में जो बेसिक फंक्शन दिए रहते हैं सेम एज इट इज ही बनाने की कोशिश करता है कि ऑपरेटर को कोई तकलीफ नहीं रहे। थैंक यू।